नहीं पहला सर जदों तो ट्यूब लगे उस टाइम दे थोड़े को फर्दा नहीं सर है ये लोगों वालों क्या जा रहे हैं एक इल्जाम ये भी लाए जा रहे हैं थोड़े से कि तुसी एक बुजुर्ग नू गलत बोले हो फोन दे उत्ते रिकॉर्डिंग थोड़ी वो ये पिंड वाले चुकी फिरते ने वो बोलवाणी बारे की कहोगे तुसी असलां दा टाइम है तुहानू लगदा नहीं कुछ ना कुछ सानू टाइम देना चाहिए नहीं इन्हों को लिखती ले लो कि किन्नी देर दोगे कोई टाइमिंग कर दो इन्हों की महीना दो महीना कर दो थोड़ा डिपार्टमेंट सर संपर्क चो नहीं ले सकता इन्हों की पुरानी फर्दा जी जे थोड़े नाल पिंड की कमेटी बन के नाल कढ़वा दो फिर तुम कहने फर्दा लैके दो सर तुम्हें पता उ जो तहसील है तहसील ऑफिस जो पटवारी बैठा उ सौखा काम है जी फर्द लेना सर 1000 रुपया फीस लेंदे हैं जी वो फर्द लेने की तुम जी इन्हों गल कही भी किसी ने जमीन बेचती किसी ने खरीद ली फिर तुम पुरानिया फर्दा तो किमें किसी को रिव्यू करोगे वो भी तो बेच चुके अक्सर ही सरकारां वल्लों किसानां वास्ते बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि असी किसानां नूं किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आण देवांगे पर लगातार किसान संघर्षां दे राह तुरे रहिंदे ने भावें कि दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते होईए जां फिर आम पंजाब दे विच पर एक वड्डी खबर तुहानूं दिखाउण लगे हाँ चंडीगढ़ दे किसानां दी जिथे कि चंडीगढ़ दे विच ज़्यादातर जमीनां चंडीगढ़ प्रशासन वल्लों अक्वायर कर लईआं ने पर जो जमीनां बचदियां ने उन्हां जमीनां दे विच फसलां बीजना जिहड़ा हुण किसानां दी एक मजबूरी बन चुका है तो एक अपने घर दी लोड़ भी तो इस नूं लैके खुड्डा लोहरा चंडीगढ़ दा एक पिंड है तो उत्थों दीआं जिहड़ीआं जमीनां अजे अक्वायर नहीं होईआं किसान फसल बीजदे ने तो हुण पाणी दी फसलां नूं बहुत वड्डी लोड़ है तो एक तस्वीर तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय तो यह ट्यूबवैल जिहड़ा इन्हां दी जमीन दे विच लग्या होया है पर दस्सिया जा रहा है कि ट्यूबवैल जिहड़ा फैल हो चुका है पर उस नूं रीबोर कीता है तो मुड़ तो जिहड़ा पानी का ट्यूबवैल दे विच आ गया पर किसानां नूं खेतां वास्ते पानी नहीं दिता जा रहा पर मामला की है पूरी गलबात करन लई साडे नाल पिंड वसनीक इकट्ठे होए ने मामला गलबात करन दे नाल ही पता लगेगा कि गल बई जी ट्यूबवैल दस्सिया जिहड़ा फैल हो गया रीबोर करता पानी क्यों नहीं फिर देखो जी मैं अज तुहाडे राही मैं सरकार नूं एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन नूं एक बेनती करना चाहुंदा ये जिहड़ा ट्यूबवैल है साड़ी जिहड़ी जमीन दे विच अपने बोर असी नहीं करा सकते सानू कोई परमिशन नहीं हैगी सरकार ने एक सिस्टम शुरू करिया सी कि असी अपने बोर करा के गवर्नमेंट वल्लों लोगों नू पानी प्रोवाइड करांगे उही मैं दसना चाहुंदा कि बहुत सारिया जमीन अक्वायर भी हो चुकिया ने कुछ परसेंट साडे कोल पईआं ने ते साडा जिहड़ा मुख काम धंदा वो साडा खेतीबाड़ी है ते उहदे उपर साडे ट्यूबवैल 4 to 5 ट्यूबवैल जिहड़े खुड्डे लोहरे च लगे हुए ने उहनां दे राहीं असी अपनी खेतां दी सिंचाई करदे हां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਨੰਬਰ ਟਿਊਬਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਬੋਰ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਟਿਊਬਲ ਨੂੰ ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਟਿਊਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਦਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 107 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ
प्रॉपर इन्हों सिस्टमैटिकली चलाने वास्ते जदों तक मेरे हिसाब से जो गर्मी का मौसम ही लंघ जाना तो फसल की बिजाई भी नहीं होनी। कितनी जमीन है थोड़ी जिमीदारा दी? इत्थे देखो जी ये साढ़े दो ट्यूबल ने 109 नंबर तो 107 नंबर 125 किला टोटल इन्हों दो ट्यूबलों के उपर है, जबकि तुहानू पता पंजाब दे विच 5 से 7 एकड़ के उपर एक ट्यूबल है, इत्थे 125 किले के उपर दो ट्यूबल है, पर दोनों चो जिहड़ा 109 नंबर वो बहुत देर तो खराब पिया वो चलता नहीं है जी, उदियां भी बहुत बार कंप्लेंटा कर रही हैं, 2-2.5 महीने तो ट्यूबल बंद पिया जी, जिहड़ा नवा इन्होंने रीबोर किया वह तुहानू पता ही है 1 साल हो गया उन्होंने चलते नूं, पर वो पानी हले तक सानू एक बूंद भी नहीं उहदा मिलिया, तो असी बार बार यही उन्होंने बेनती कर रहे हैं, बार बार उन्होंने लिख के भी दे रहे हैं, म्यूनसिपल कारपोरेशन जिहड़े साडे इत्थों इलैक्टेड होए ने उन्होंने भी लिख के दिता है, पर मैं एक गल तुहाडी मीडिया थाई उन्होंने तक पहुँचाना चाहना जिहड़े इन्हां दे सीनियर अधिकारी ने कि इन्हां दा जिहड़ा बोलबाणी है जिहड़े जेई साहब ने सुखदेव सिंह जी बोलबाणी बहुत गंदी है, साडे पिंड दे बजुर्ग ने उन्होंने भी उन्होंने 2-3 वारी कॉल किया रिक्वेस्ट की उन्होंने बेनती की कि सर तुसीं साडी बेनती मन के तुसीं सानू पानी यह चलता कर दो, तो असी फरदा 1-1.5 महीने च तुहानू जमा करा देंगे, 19 देर तक असी बिजाई तो करिए, पर उन्हां दी जिहड़ी बोलबाणी है वह बहुत गंदी है, बहुत उन्हां दा जिहड़ा सलूक है बहुत माड़ा, बड़े गंदे तरीके नाल उन्होंने वर्ताव किया उन्होंने बजुर्ग नाल, वो साढ़े कोल उन्हां दी रिकॉर्डिंग पई है, तो जिहड़ियां चिट्ठियां असीं इन्हां नूं दित्तियां पिंड वल्लों या पिंड दे लोकां वल्लों जिहड़े जमींदार सी उन्हां वल्लों दित्तियां गईयां वो जिहड़ियां लैटर ने उन्हां दी कॉपियां भी साढ़े तक पईयां ने, तो जिहड़ी उन्हां दी रिकॉर्डिंग है जिहड़ी उन्होंने गलत बोलबाणी उन्होंने भद्दी शब्दावली उन्होंने बजुर्ग नाल कीती बोलबाणी, वो नछत्तर सिंह जी ने साढ़े पिंड दे बजुर्ग ने उन्हां नाल उन्होंने इदां दी शब्दावली वरती है, मेरे हिसाब नाल तां बहुत गंदी गल है कि एक सरकारी कर्मचारी नूं किसी भी बुजुर्ग बंदे नाल जो भी 60 साल के उपर ने इदा का नहीं बेव करना चाहिए, जो भी उन्होंने जे उन्होंने लगता कि ये चीज़ा दुरुस्त नहीं आ कोई चीज़ा डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं तो आके पिंड भी बैठ सकते हैं, पिंड के लोगों आके वार्तालाप कर सकते हैं, बुला के एक मीटिंग सद सकते हैं या उत्थे बैठ के सारी चीज़ों का फैसला कर सकते हैं भी की करना नहीं करना, पर जदों फोन पर कोई बंदा किसी अफसर को इदा की बेनती करता है उसके नाल जदों यह जहाँ वर्ताव होता तो बहुत मंदभागी गल है। ठीक है बिल्कुल, तुम देखो कि लगातार इदी दशकों किसानों आ रही ने, पर दसिया जा रहा सरकारी मुलाजमान का बोलने का तरीका की है, लगातार इदा दिया सोशल मीडिया से वीडियो वायरल होंदिया ने, पर ताज़ी खबर इन्होंने को दसी गई है रिकॉर्डिंग इन्होंने को पाइं ने किस तरीके का बिहेव किया जा रहा है, तो किमें दे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों तो खुश हो तुम? नहीं खुश नहीं है, उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है जमींदारों के खासकर। वो क्यों? वो ये है कि इसके ट्यूबवेल के बारे में इतना एफर्ट्स किया है, 1 साल से ये बोर लग गया, इसके पानी के लिए कितनी बार जा रही है ये डिटेल में आपको बताया इन भाई ने, इवन कटाई थी कणक की घर से पानी लेना पड़ता हमने पीने के लिए भी, अच्छा। अगर ये ट्यूबवेल चला होता तो यहाँ पानी पीने का भी मिल जाता, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बिल्कुल अगेंस्ट है जमींदारों के खासकर। मांग क्या आपकी? मांग क्या? मांग ये है कि ट्यूबवेल चलाया जाए, जो पुराना सिस्टम था प्रति सिस्टम उस पर चलाया जाए प्रति, अब जमीन 1 इंच घटी नहीं न बधी, पहले जो फर्क थी वही है, किसी ने 2 कनाल बेच दी होगी तो किसी ने ले ली है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई जमीन घटी बधी चाहे नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रति सिस्टम फिर दोबारा शुरू किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है बिल्कुल, तो किमें देखते हो कि दसिया जा रहा है कि पहला जमीन जी कवायर हुई ने, क्या लगता है कि चंडीगढ़ प्रशासन की थोड़ी जमीन की नज़र तो नहीं करते कि तार के थोड़ा हैरान किया जा रहा है? देखो जी मैं तुहाडे थ्रू यही गल दसना चाहता, थोड़े दिन पहला इनक्रोचमेंट का भी तुम देखा होगा बहुत व्डा, एक सारे पिंड वालों इन्हों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया कि देखो जोड़े पिंड के लोग हैं चंडीगढ़ के वसनीक ने, चंडीगढ़ के जड़ी जड़ी चंडीगढ़ बसाया गया वो इन्हों की हिक्कते बसाया गया, साड़िया ही जमीन सगिया जिन्हों के उपर अज चंडीगढ़ के सैक्टर बसे हुए हैं, चंडीगढ़ के शोरूम ने, चंडीगढ़ के कोई भी सरकारी दफ्तर ने, पिंड के लोगों की जमीन सी, पर हुण की प्रशासन कर रहा कि जदों असी कोई काम धंधा करन दी शुरू करन दी सोचते हैं, मान लो कोई छोटा मोटा मकान पा के किसी नूं किराए ते दिंदा है या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई माली हट बनाना चाहता है या कोई नर्सरी बनाना चाहता है या कोई अपना होर किसी भी तरह का काम धंधा अपने खेत अपनी जमीन च शुरू करना चाहता है, प्रशासन की करता जदे उन्हें इनक्रोचमेंट कर दिंदा उन्हें तोड़ दिंदा, तो जदों असी इन्हां नूं पानी की मंग करते हैं या कोई अपने हकों की गल करते हैं उस टाइम भी इन्हों का यही जवाब हों कि साढ़े को नहीं है, साढ़े को मशीनरी नहीं हैगी, साढ़े को नहीं है, वो फिर उही गल् उन्होंने कोरिया करारिया गल् ने उही सुना के पिंड के लोगों को वापस भेजते हैं, तो मैं यही थोड़े चैनल के थ्रू इन तक ये गल पहुँचा चाहना कि देखो प्रशासन की करना चाहता, प्रशासन लोगों जबरदस्ती उन्होंने घर तो उजाड़ना चाहता, उन्हों जमीन तो उजाड़ना चाहता, उन्हों जमीन जबरदस्ती उन्होंने खोना चाहता, ये एक प्रशासन का गंदा रवैया जिहड़ा कि साडे जिन्ने भी चंडीगढ़ के लोग ने चंडीगढ़ के पिंडा च वस रही आबादी है उन्होंने नहीं पसंद हैगा, तो जे इदा यह सोच के इदा सोचते हैं कि इदा असी करके इन्हों इतों भजा देंगे या इन्हों जमीन जबरदस्ती खोलेंगे
ये तो नहीं होगा क्योंकि हूँ पिंड के लोग जो रवैया कहा कि रवैया गलत है आप उन्होंने मिठी जी बोली है वह आप एक बार लाइव सुन लीए कर लिए लाइव बिल्कुल हाँ तुम नंबर दसो कि जय साहब का तो जय सुखदेव जी गलबात करते हैं क्योंकि लाइव आप जरा बिल्कुल कैमरे के अगे तो नाल रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल लाइव चल रही है इस की बोलते हैं उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने इस बारे की कहना जोड़े लोग परेशान हो रहे हैं। हैलो 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 हाँ जी सत्या तो बोलता जी हरतेज सिंह जी बोलो जी सर लाइव तुसी गलबात कर रहे हो तो 107 नंबर ट्यूबवैल का की मामला है जी लोग इतने इकट्ठे हुए ने कि लगातार असं परेशान हो रहे हैं गल है जी मैं थोड़ा नाम की है जी अपना हरतेज सिंह है जी हरतेज सिंह हरतेज सिंह गल इस तरह है ट्यूबवैल दे असीं सरदा मंगिया भी किना किना बंदे दी जमीन है हाँ जी इस ट्यूबवैल ते हाँ जी एक सरदा ते डिटेल चाहिए सानू कोई बेकरा जी नहीं है नहीं पहला सर जो तो ट्यूबवैल लग्या उस टाइम दे थोड़े कोल फरदा नहीं सर है ये लोगों वालों कहा जा रहा है एक मिनट सुन मेरी मैं अज डिपार्टमेंट च आया हाँ जी 5 साल में ट्यूबवैल नवा लग्या है हाँ जी 5 साल च बंदे ने जमीन नवी भी लई होनी ते इहनां बेची भी होनी है अच्छा जी नंबर 1 लिखती ले लो कि किन्ने देर च दोगे कोई टाइमिंग कर दो इन्हां दी महीना दो महीना कर दो पुरानी फरदा भी दसो पिंड वाले है संपर्क च पईआं ओह कहिंदे संपर्क सेंटर च डिपार्टमेंट सर संपर्क चो नहीं ले सकदा इन्हां दी पुरानी फरदा जी ठीक है सर एक मिनट लाइव चल रहे एक मिनट गल हाँ जी सर सत श्री अकाल जी मैं पिंड तो ही बोल रहा गुरमिंदर है मेरा नाम हाँ जी सर मैं एक बेनती करना चाहना देखो तुम कहते हो फरदा लिया के दो सर तुहानू पता उत्थे जिहड़ा तहसील है तहसील ऑफिस च जिहड़ा पटवारी बैठा उत्थे सौखा काम है जी फर्द लेना सर 1000 रुपया फीस लैंदे आ जी ओह फर्द लैण दी सुनो कित्थे कित्थों सुनो पहले इहनां सुनो हाँ जी हाँ जी सर दसो जी दसो पहला मेरी सुनता लै यार हाँ जी हाँ जी साडे कोल पुराणी वी तां रिकॉर्ड पिया होऊगा सानू पुराण लिया के दे दो असीं पुराणी फर्दा दे दो ठीक है एक मिनट पुराणी फर्दा सर एक गल दस्सो हुण तुसीं जिहड़ी इहनां नूं गल कही वी किसे ने जमीन बेचती किसे ने खरीद ली फिर तुम पुरानी फरदा से किमें किसी तो रिव्यू करोगे भी तो बेच चुक होगा फिर तो पुरानी फरद में बेची भी जमीन पहले मेरी पूरी गल सुनता लाने यार
रोज पटवारी एडा टाइम किसी को नहीं है फिर की फायदा जी जो पानी जाके उ सितंबर अक्टूबर च मिलूगा फिर तो फसल सारी सुक जानी है जी सर साडी बेनती है तुसी रिटर्न च सर 50 बंदे साइन करके दे दिंदे आ तुहानू असीं 50 बंदे मोतबर बंदे पिंड दे साइन करके दे दिंदे आ तुसी महीने का टाइम दे दो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਮਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਮਖਾਜੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 9 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਊਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਟਿਊਬਲ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕੱਢੂਗਾ ਔਰ ਜੇ ਘੱਟ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹੀ ਏਕੜ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਰ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
पानी की, पर जे महीने बाद दो महीने बाद ही मिलेगा तो उसका फायदा की है? तो इस लैके आने वाले दिन देखते हैं कदों इन्हों का मसला हल हों कि लगातार चंडीगढ़ प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि असं किसानों के नाल हाँ, किसानों की फसलों के नाल हाँ, पर जोड़ा इतने पानी की बूंद बूंद में जो किसान तरस रहे हैं तो उन्होंने कि सुनवाई होंगी है तो आने वाला टाइम दसेगा। थोड़े कैमरामैन सुमित के नाल हरतेज सिंह तेजी, HN1 न्यूज़, चंडीगढ़।